आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter पेज को भी फॉलो करें। थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत न्यू सुरक्षा बिहार कॉलोनी के बासिंदों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंच दबंग प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों का आरोप था कि दबंग प्रॉपर्टी डीलर द्वारा अवैध तरीके से उनके गेट बंद कॉलोनी में रास्ता निकाला जा रहा है, जिसका विरोध करने पर दबंग कॉलोनी वासियों को धमकी दे रहा था। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना सदर क्षेत्र के गेट बंद कॉलोनी न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी का है, जहां के निवासियों द्वारा जिला मुख्यालय पहुंच जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के दौरान सुरक्षा विहार कॉलोनी के बाशिंदे भयभीत नजर आए। क्षेत्रवासियों का कहना था कि सुरक्षा विहार कॉलोनी की पूर्व दिशा में बाउंड्री वॉल से सटी हुई भावना स्टेट भी एक गेट बंद कॉलोनी है, जिसका मेन गेट पूर्व दिशा में रोहता गांव की तरफ है। इसके मालिक हरेंद्र सिंह ने लालचवश कॉलोनी की बाउंड्री वॉल को तोड़कर रास्ता बना लिया है, क्योंकि न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी की कीमत की जमीन ज्यादा है, इसलिए दबंग प्रॉपर्टी डीलर इसे अपनी कॉलोनी भावना स्टेट के मार्ग में मिलाना चाहता है। मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है, मैं न्यू सुरक्षा विहार से हूँ। हमारे कॉलोनी एक गेट बंद कॉलोनी है और वहाँ सुरक्षा के दृष्टि से बाउंड्री वॉल किए हुए हैं। लगभग 120 एकड़ एरिया की कॉलोनी है और हमारे कॉलोनी से पूर्वी गेट पर एक भावना स्टेट है। उनका मानना यह है कि इधर से हमें रास्ता किया जाए। यदि यहाँ प्रशासन की तरफ से एक वहाँ लिख पार पहुँचे थे बोले कि बाउंड्री तोड़ी जाए, यदि बाउंड्री तोड़ी जाती है तो हमारा सुरक्षा में बहुत खतरा होता है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज वहाँ 80% फौजी आदमी है, कुछ फैमिली के साथ है, किसी कोई ड्यूटी पर है। यदि प्रशासन गेट तोड़वा देता है तो हम असुरक्षित महसूस करेंगे, इसीलिए हम DM साहब से अनुरोध करने आए थे। हम चाहते हैं कि वहाँ जैसे गेट बाउंड्री बना हुआ है सेम वैसे ही। और मेरी तरह सर्विस क्लास लोग हैं, न्यू सुरक्षा विहार में हम न्यू सुरक्षा विहार के निवासी हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हम जैसे वर्किंग और फौजी लोगों ने उसमें मकान ले रखे हैं। 20 साल से वो बाउंड्री से घिरा हुआ एरिया है, जिस सुरक्षा घेरे में हम लोग रह रहे हैं, बच्चों को अकेला छोड़ के अपनी सर्विस पर चले जाते हैं, चाहे फौजी हो चाहे हम जैसे वर्किंग लेडी हो। अगर वो पिछला जो दीवार तोड़वा के महेंद्र सिंह जो हमारे विपक्षी हैं वो अगर वहाँ से रास्ता निकलवा देते हैं तो क्या सुरक्षा हमारे बच्चों की रह जाएगी, क्या घरों की रह जाएगी। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि इससे पूर्व भी दबंग प्लॉट प्रॉपर्टी डीलर द्वारा 50 वर्ग गज का प्लॉट न्यू सुरक्षा विहार कॉलोनी की बाउंड्री वॉल के पास खरीदा गया था, जिसका कॉलोनी वासियों ने विरोध किया था। उस समय तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर सुरक्षा की दृष्टि से ये रास्ता बंद करा दिया था। अब दबंग द्वारा इस रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर ये रास्ता खुलता है तो इसमें कॉलोनी के अंदर चोरी और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ने में मदद मिलेगी और अन्य कॉलोनियों की अराजक तत्व भी इस रास्ते के जरिए कॉलोनी में अराजकता का माहौल पैदा कर सकते हैं, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।